आज के इस वीडियो में एसआई मेंस और 66वीं बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे, कुछ संभावित सवालों पर विचार करेंगे और मेरे विचार करने के बाद आप भी विचार कीजिएगा, ठीक है। हम अपने विद्यार्थियों को ये तो बता ही देते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, और उस पर अगर आपका कमांड है तो कुछ न भी कर रहे हैं तब भी आपका सामान्य एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, निश्चित रूप से उसमें भी 80% क्वेश्चन देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टेस्ट किए हुए होते हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रीवियस ईयर पे कमांड कीजिए, बीपीएससी एंड उसके अलावा अदर पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करने की आवश्यकता है। खैर, मन में अगर इस तरह का भाव आए कि मैं जो कर रहा हूं पता नहीं बेस्ट है कि नहीं है क्या है, तो ये बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए। आप अपने तरीके से जो भी वर्क कर रहे हो वो बेस्ट है, उसको बेस्ट मान के आगे बढ़ो। अगर नहीं मानोगे ऐसा तो तुम्हारा जो वर्क कर रहे हो उसमें भी तरह तरह की समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारा उत्साह कम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने कार्यों पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पे जितना हो सके उतना कमांड करने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के साथ साथ अदर पीसीएस भी जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं परंपरागत क्वेश्चनों पे कमांड होना चाहिए। रही बात करेंट की, तो किसी भी एग्जाम के होने से पहले ही एक महीने का भी अगर समय मिल जाता है तो निश्चित रूप से करेंट अफेयर्स पे कमांड हो सकता है, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है सर। अब कमीशन का कैलेंडर भी चेंज होगा, तो इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे ये चर्चा परिचर्चा अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए ताकि हम वहां से प्रेरणा लेके आगे भी इस तरह के वीडियो डाल सकें, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन जो संभावित रूप से मैं बता रहा हूं कि आगे हो सकता है कि पूछे, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोई क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके शब्द चेंज किए गए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया गया है। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन भावी बुद्धा है, कौन भावी बुद्ध है जिसे अभी आना बाकी है विश्व को बचाने के लिए। विकल्प होगा अवलोकितेश्वर, विकल्प ए अवलोकितेश्वर, विकल्प बी लोकेश्वर, विकल्प सी मैत्री, विकल्प डी पद्मपणि। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे कि भावी बुद्धा कौन है, इनमें से निम्नांकित में से भावी बुद्धा कौन है, आने वाला बुद्धा कौन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए भावी बुद्धा तो आप लोग भी पढ़ते हैं जानते ही हैं कि मैत्रेय को आने वाला बुद्ध कहा गया है, ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार वर्तमान में या आने वाले दौर में एक बुद्ध का अवतार होगा जिसका नाम मैत्रेय है, जिसे भावी बुद्धा कहा जाता है बौद्ध परंपरा में। तो आपका विकल्प के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा दो लाइन का क्वेश्चन बना दिया गया, ये ठेठ में भी पूछा जा सकता था कि आने वाला बुद्धा कौन है, भावी बुद्धा कौन है, नहीं? तो निश्चित रूप से भावी बुद्धा मैत्रेय मेरे इस बार के प्रेडिक्शन में है एसआई मेंस के लिए, बीपीएससी के पीटी के लिए 66वीं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा करता हूं कि भारत में, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत में धार्मिक पद्धतियों के संदर्भ में स्थानकवासी, ध्यान रखेंगे स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है। विकल्प रहेगा ए बौद्ध, बी जैन, सी वैष्णव, डी शैव। उत्तर आपका इन विकल्पों में जैन धर्म होगा, क्योंकि स्थानकवासी जो संप्रदाय है वो जैन धर्म का जो श्वेताश्वर संप्रदाय है उसका एक ब्रांच है। जैन धर्म
आगे चल के वो दिगंबर संप्रदाय, श्वेतंबर संप्रदाय में बटा था, उसमें से ये जो स्थानक वासी है जैन धर्म के श्वेतश्वर संप्रदाय का एक हिस्सा है। तो निश्चित रूप से स्थानक वासी पूछा जाता है, तो आपके विकल्प के हिसाब से उत्तर जैन धर्म होगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, या तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से किसने सबसे पहले महाराज अशोक के राजा राजा देशों को समझा, यानी महाराज अशोक मौर्य साम्राज्य के जो अशोक थे उनके राज आदेश को सबसे पहले किसने समझा या किसने पढ़ा। तो विकल्प ए मान लीजिए रहेगा जॉर्ज वुल्लर, विकल्प बी रहेगा जेम्स प्रिंसेप, विकल्प सी रहेगा मैक्स मूलर, विकल्प डी रहेगा विलियम जोन्स। तो इन विकल्पों में जो आपका उत्तर होगा वो जेम्स प्रिंसेप होगा। इन विकल्पों में क्या कोई भी विकल्प होगा तो जेम्स प्रिंसेप सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नहीं, अशोक के जो जिस लिपि में उनके आदेश लिखे गए थे वो पढ़ सका था। तो जेम्स प्रिंसेप इसके उत्तर होंगे। चौथा क्वेश्चन, अगर इस तरह से पूछा जाए कि निम्नांकित में से कौन सी प्राचीन, ध्यान रखें मैं घुमा रहा हूं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, कि निम्नांकित में से कौन सी प्राचीन भारत के शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो निम्नांकित में से कौन सी प्राचीन परंपरा या प्राचीन भारत के शुंग वंश के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो विकल्प रहेगा उसमें स्वप्न वसोदत्ता ए, विकल्प बी रहेगा मालविक अग्निमित्र, सी रहेगा मेघदूत, डी रहेगा रत्नावली। तो आपका उत्तर होगा इन विकल्पों में विकल्प बी मालविक अग्निमित्र। मालविक अग्निमित्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है जो संस्कृत में कालिदास ने लिखी थी एक नाटक। ठीक है, तो मालविक अग्निमित्र ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले दो इन्फॉर्मेशन और दे दूं। अगर आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि कबीर के संग्रहों में सबसे श्रेष्ठ संग्रह कौन है या सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो उत्तर बीजक लीजिएगा। कबीर के संग्रहों में सबसे श्रेष्ठ है बीजक। और एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछता है कि पुष्टि मार्ग का दर्शन, ध्यान रखेंगे पुष्टि पुष्टि मार्ग का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है पुष्टि मार्ग, तो उत्तर लेंगे वल्लभाचार्य। बीजक, कबीर, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य, ध्यान रखेंगे। मैं इसे क्वेश्चंस के रूप में ना पूछ के डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बीजक, कबीर और पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य, ध्यान रखिएगा एसआई के मेंस के लिए या 66वीं बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, अगर देखा जाए तो चार क्वेश्चन दो इंफॉर्मेशन छह इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूं एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि निम्नांकित में से कौन से राज्य, अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, है तो आसान क्वेश्चन लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कि निम्नांकित में से कौन से राज्य भगवान बुद्ध के जीवन के साथ संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विकल्प में अवंती ए हो जाएगा विकल्प, अवंती, बी गंधार, सी कोसल, डी हो गया मगध, ई हो गया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। तो देखो इसमें हमने विकल्प क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि भाई बुद्ध के जीवन से कौन से जगह संबंधित है, मैंने अवंती दिया है विकल्प, कोसल दिया है विकल्प, मगध दिया है विकल्प, गंधार दिया है विकल्प। तो गंधार और अवंती तो बुद्ध कभी गए नहीं, उनका तो क्षेत्र मगध था, कोशल था, वज्जी था, वैशाली था, नहीं। तो इसमें दो विकल्प अलग अलग है, एक विकल्प मैंने आपको बताया था कि सी में कोशल बताया था और डी में मगध बताया था, तो मगध भी सही होगा और कोशल भी सही होगा, तो इसमें विकल्प ई उत्तर हो जाएगा, एक या एक से अधिक वाला। अवंती तो गए नहीं, गंधार तो गए नहीं, लेकिन दो गो और है ना इसमें। ठीक है, अगर कौशल के जगह पे कोई और क्षेत्र होता जहां बुद्ध नहीं गए तो फिर मगध हो जाता। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके मैं थोड़ा विकल्प ई वाला क्वेश्चन दे दिया, तो इस विकल्प में ऐसे क्वेश्चन में उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मगध भी सही है और कौशल भी सही है,
बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जगह। छठा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नांकित, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको शास्त्रीय भाषा पर वीडियो दिया था, ठीक है, वहां से क्वेश्चन मैंने पूछा हूं कि निम्नांकित में से किन भाषाओं को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं या शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ध्यान रखिए, भारतीय सरकार द्वारा निम्नांकित में से किन भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, और मैंने विकल्प लिया है, ए विकल्प लिया है गुजराती, बी विकल्प लिया है कन्नड़, सी विकल्प लिया है तेलुगु, डी विकल्प लिया है हमने मराठी। तो ए विकल्प ले लिया हमने, ए विकल्प ले लिया हमने गुजराती, बी विकल्प ले लिया कन्नड़, सी विकल्प ले लिया तेलुगु, डी विकल्प ले लिया हमने मराठी। तो छह ही और ई विकल्प ले लिया कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब शास्त्रीय भाषा तो छह ही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, तो ना इसमें गुजराती है ना इसमें मराठी है शास्त्रीय भाषा। तो ए कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कन्नड़ जो विकल्प लिया था बी, और सी लिया था जो तेलुगु, तो दो भाषाएं होंगी, तो इसका मतलब सी और डी, सॉरी बी और सी उत्तर सही हुआ, तो इसमें भी दो सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के उत्तर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। तो छह भाषा है लेकिन विकल्प अलग अलग लिया है, हो सकता था कि चारों विकल्प सही ले लेता तब भी आपका ई उत्तर होता। तो अगर छह वो लैंग्वेज आपको ध्यान है, भाषा ध्यान है शास्त्रीय भाषा, तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको दिक्कत नहीं होगी। सातवां क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि निम्नांकित में से किसने, देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। निम्नांकित में से किसने अपने उपदेश लोधी वंश की समाप्ति, किसने अपने उपदेश लोधी वंश की समाप्ति और मुगल काल या बाबर के आने पर दिए। तो लोधी वंश की समाप्ति 1526 ईस्वी में होती है और बाबर मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में करता है। इस समय कौन ऐसा, मैंने व्यक्ति थे या कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना उपदेश दिया था, तो से किसने, अब उस समय तो देखेंगे कबीर भी हैं, गुरु नानक भी हैं, तो विकल्प के हिसाब से जाएंगे। तो विकल्प मान लीजिए लेता है दादू दयाल, ए विकल्प भी लेता है गुरु नानक, सी लेता है त्यागराज, डी लेता है तुलसीदास। तो तुलसीदास हुए नहीं, त्यागराज उस समय थे नहीं, दादू दयाल थे नहीं, तो गुरु नानक उत्तर इसका आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। अब मान लीजिए अगर इसमें एक विकल्प में गुरु नानक होता है, एक विकल्प में कबीर भी हो जाते हैं, तब फिर आपका उत्तर होता। तो ध्यान रखेंगे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि लोधी वंश के समाप्ति पर और बाबर के आने पर किसने अपने उपदेश दिए उस समय, तो उत्तर आपका गुरु नानक होगा। क्लियर, यानी कि लोधी के भी समकालीन थे गुरु नानक, बाबर के भी समकालीन थे गुरु नानक। सात क्वेश्चन पर मैंने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भक्ति संप्रदाय का प्रतिपादक नहीं है, निम्नांकित में से कौन, ध्यान रखें, निम्नांकित में से कौन भक्ति भक्ति संप्रदाय का प्रतिपादक नहीं, और विकल्प दे दे। तो भक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक तो कई थे, अब विकल्प दे दे, विकल्प ए नागार्जुन, विकल्प बी तुकाराम, विकल्प सी त्यागराज, विकल्प डी वल्लभाचार्य। तो तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य तो भक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक थे, लेकिन नागार्जुन नहीं थे, तो दार्शनिक बेचारे थे जिन्होंने मध्यमकारिका किताब लिखी थी, जैन भिक्षु थे जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, नागार्जुन को, तो नागार्जुन नहीं होगा। तो निम्नांकित में से कौन भक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक नहीं है, तो इस विकल्प के अनुसार नागार्जुन उत्तर नहीं होगा, ये भक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक नहीं थे। देन तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सभी भक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक थे, ठीक है। मैंने आज के इस वीडियो में 8 क्वेश्चन पे चर्चा किया, 2 इन्फॉर्मेशन आपको बीजक पर और पुष्टि मार्ग पे अलग से दिया, यानी कि 10 इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, और ये 10 के 10 इन्फॉर्मेशन आने वाले 66वीं BPSC
और एसआई की मेंस के लिए प्रिडिक्टेबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल हमें सूचित करें ताकि हमको प्रेरणा मिल सके कि आगे भी इस तरह के हम वीडियो दें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें जरूर सूचित करें ताकि हम रोज इस तरह से अगर 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक प्रिडिक्ट करके आपको हम बताएं तो निश्चित रूप से 10-20 दिन में 250 क्वेश्चन पे काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नमस्ते।